नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल लाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट रुचिंद्र चौधरी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नो पार्किंग नो कार की। दोस्तों नो पार्किंग नो कार क्या है? दोस्तों 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, इसका नाम था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी दिल्ली एन NCR। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तो अब हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इस पर अब चर्चा हमारी न्यूज़ चैनल पर शुरू हो गई है। अब एक नया कानून बनने वाला है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, यानी कोई भी डीलर आपको गाड़ी नहीं देगा जब तक आप पार्किंग का सबूत नहीं दे सकते। उस सबूत के जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या रिक्वायरमेंट होंगे उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इस पर और एक आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली जैसे महानगर के अंदर कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अगर हम खाली 4 व्हीलर व्हीकल की बात करें तो 32 लाख से ज़्यादा 4 व्हीलर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अब दोस्तों पार्किंग की जो समस्या है एक तरह की भ्रष्टाचार जैसी समस्या है। जैसे भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता देश के अंदर से, इस तरह की पार्किंग की समस्या महानगरों से तो ख़त्म नहीं हो सकती। गलियों के अंदर लेफ्ट में भी गाड़ियाँ, राइट में भी गाड़ियाँ, यानी एक बाइक के बीच में से निकल के जा सकती है। इस बजट समय से समस्या से लोगों में झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाए तो जाम की वजह से गलियों में से निकलना मुश्किल हो जाता है, कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी कहीं से बैक करनी हो तो कम से कम 2-4-5 किलोमीटर बाद ही आपको बैक करने का मौका मिलेगा, नहीं तो लेफ्ट में इतनी गाड़ियाँ हैं और राइट में आप ना आगे कर सकते हैं, ना लेफ्ट ना राइट ना पीछे, बस आगे पीछे जा सकते हो। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है महानगरों के अंदर। अब सरकार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपको कोई भी एजेंसी गाड़ी नहीं देगी, आपको पहले पार्किंग का सबूत देना होगा उसके बाद ही आपको गाड़ी मिलेगी। अब दोस्तों सबूत की हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, आपको उस एरिया का जहां आप गाड़ी पार्क करोगे उसका आपको फोटोग्राफ देना होगा। अगर आप किसी रेंट पर जगह लेते हैं तो उस रेंट का रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा कि भाई मेरे पास इतने टाइम तक के लिए ये है। दोस्तों एक चीज़ और, अगर हमारे यहाँ कोई भी कानून बनता है तो लोग उसके ना मिसयूज़ करने के तरीके भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन सरकार ने इसका भी सॉल्यूशन इसमें कमेटी ने किया है। बाई चांस आप कोई भी ID दिखा के, कोई भी फोटोग्राफ दिखा के, कोई भी रेंट एग्रीमेंट दिखा के अगर आप गाड़ी खरीद लेते हैं और आपकी कोई कंप्लेंट भी कर देता है तो आपकी गाड़ी वो जमा हो जाएगी। पहले आपको स्पेस देना पड़ेगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, तभी आपको गाड़ी चलाने की परमिशन मिलेगी। दोस्तों ये जो एक्ट है लगभग 2021 के अंदर आ जाएगा देश के अंदर। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।